Hello friends, this is Nilesh Kumar. Welcome to my channel English Attack with Nilesh Kumar. आज हम three structures पढ़ेंगे. सबसे पहला structure है, वो है use of is, am, are. आइए हम देखते हैं कि use of is, am, are की पहचान क्या है. है, हैं, हो, and हूँ. ये इसकी पहचान है, ये है इसकी recognition. Recognition. दोस्तों, ये recognition है, structure number one, जो first use है आपका, is, am, are. अब इसी का past होता है आपका, use of was, were. Use of was, were. Use of was, were. आइए इसकी recognition देख लेते हैं. इसकी जो पहचान होती है बहुत ही सिंपल है, था, थी एंड थे. अब जो थर्ड स्ट्रक्चर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है फ्यूचर. इज एम आर प्रेजेंट का है, वाज वर पास्ट का है, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज ऑफ फ्यूचर. तो जो फ्यूचर है ये है हमारा यूज ऑफ शैल बी विल बी. आइए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है. इसकी पहचान बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शैल और विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है. यानी फ्यूचर टेंस में किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हो या बोलते हो उसके लिए आप यूज क्या करते हो, शैल या विल. लेकिन मैंने शैल और विल के बाद मैंने यहां बी लिख रखा है. अब इस बी का क्या मतलब होता है वो हमें देखना है. बी बी मीन्स होता है होना, बनना एंड रहना. मीन्स वॉट, बी हैज थ्री मीनिंग्स, होना, बनना, रहना. अब इस तीनों को यदि हम फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो मैं अलग अलग आपको लिख के बताता हूं. अगर होना है तो होना को अगर फ्यूचर में ले जाएंगे तो होगा, होगी, होंगे. और अगर बनना से बनाते हैं, इसकी पहचान बनती है क्या, बनना से इसकी पहचान क्या बनती है, बनेगा, बनेगी, बनेंगे. फिर रहना लेते हैं थर्ड वन, तो इसकी पहचान क्या होगी, रहेगा, रहेगी एंड रहेंगे. दोस्तों आपको यह अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या लिख रहा हूं. एक्चुअली जब हम हिंदी सेंटेंसेस यूज करते हैं तो ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो पहचान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल द रिकॉग्निशंस. अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में एक सेंटेंस लेके मैं आपको समझाता हूं कि इन रिकॉग्निशंस का मतलब क्या होता है. ये देखिए, यहाँ यूज ऑफ इज एम आर मैंने लिखा हुआ है. तो यूज ऑफ इज एम आर में यदि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मेरे पिताजी एक नेता हैं, दिस मीन्स ये आपका यूज ऑफ इज एम आर है. मेरे पिताजी एक नेता थे, दिस मीन्स ये पास्ट है. मेरे पिताजी एक नेता रहेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो यूज ऑफ इज एम आर. मैं एक डॉक्टर था, यूज ऑफ वॉज वर. और मैं एक डॉक्टर रहूंगा, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, थर्ड वन. मैं एक डॉक्टर रहूंगा मीन्स वॉट, ये रहेगा, रहेगी, थर्ड रिकॉग्निशन है. आप ये भी बोल सकते हैं, मैं एक डॉक्टर बनूंगा. ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप क्या बनोगे, व्हाट विल यू बी. तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की जो पहचान होती है वो आपके सामने है, दिया है. और मैंने एक एक एग्जांपल सब पे दे दिया हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए आगे सीखते हैं. दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ इज एम आर, और साथ साथ मैं आपको वॉज वर्ब भी लिखता जाऊंगा, उनके साथ किन सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगता है, और फ्यूचर का भी यूज मैं आपको बताऊंगा. तो बने रहिए मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं. यूज ऑफ इज एम आर एंड यूज ऑफ वॉज वर.
दोस्तों यूज ऑफ इज एम आर एंड वॉज वर, दिस मीन्स यूज ऑफ इज एम आर इज इन प्रेजेंट टेंस एंड वॉज वर इज पास्ट टेंस। तो आइए देखते हैं, हियर आई, आई के साथ प्रेजेंट में हम एम का यूज करते हैं, और अगर पास्ट में जाते हैं वॉज वर में तो आई के साथ यूज होता है वॉज। नेक्स्ट है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। दोस्तों इनके साथ प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वो होता है आर, और अगर इनके साथ हम पास्ट का यूज करते हैं, दिस मीन्स वॉज वर में से किसी एक का यूज करना हो तो आपको क्या यूज करना है, वर। इसके बाद है हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। दोस्तों अगर इसके साथ हम प्रेजेंट में आते हैं तो हम यूज करते हैं इज, और यदि पास्ट का यूज करना हो इनके साथ तो हम यूज करते हैं वॉज। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ प्रोनाउंस हैं, और जो नेम्स हैं सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स, तो नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स यू नो। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट में इज वर्ब में से क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब में से क्या यूज करेंगे, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको देख के और पहले समझ ले कि साथ किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगता है, तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए आगे देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में यूज अभी हम सीखेंगे, दैट इज थर्ड, व्हाट इज यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। दोस्तों आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी का यूज हम कैसे करते हैं। इफ यू गेट आई एंड वी, यू कैन यूज शैल एंड विद सब्जेक्ट्स आई एंड वी, यू कैन ऑल्सो यूज विल, एंड विद द रेस्ट सब्जेक्ट्स यू नो एज यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। इन सब के साथ यदि फ्यूचर टेंस में आपको शैल और विल में से किसी का यूज करना हो तो आप देख लो, एक बार फिर से आप समझ लो, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स हो या प्लूरल नाउन्स हो, सबके साथ यू हैव टू यूज ओनली एंड ओनली विल। इनके साथ शैल का यूज नहीं होता है, यू डोंट हैव टू यूज शैल विद दिस सब्जेक्ट्स, यू हैव टू यूज ओनली विल, आप इनके साथ सिर्फ और सिर्फ विल का ही यूज करें। यदि आपको शैल और विल यूज करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप ये याद रखना, यू कैन यूज ओनली विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट वुड बी आई वी एंड रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ विल का यूज कर सकते हो, दिस मीन्स फ्यूचर टेंस में यदि आप चाहो तो शैल को हटा सकते हो और विद ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन यूज ओनली विल। तो हियर यू हैव गॉट हाउ टू यूज शैल एंड विल। अब आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, और उन फॉर्मूलाज की मदद से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे सेंटेंस सीखेंगे, और उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड स्लोली यू विल बी एबल टू लर्न सम सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश,